संतोषी माता, जय जय संतोषी माता। ए मुंबई, यहाँ आओ। ए मुंबई, मेरे पांव खराब हुए लगभग 10-12 साल हो गए। इस बारे में सोचकर तुम क्यों दुखी होती हो? सच मुझे तो जरा भी दुख नहीं है। क्यों जानती हो, भगवान ने कई रूप में जन्म लिया है, लेकिन आज तक उसने एक वकील की पत्नी के रूप में जन्म नहीं लिया। भगवान, जब तुम साथ हो तो पांव ही क्या, हाथ भी खराब हो। मेरे सामने ऐसी अशुभ बातें मत करो, भगवान मारेगा। अच्छा अच्छा, मेरी भाग्यवान यहाँ की नहीं, मुंबई की है ना, मुंबई की ब्राह्मणी। नहीं ए जी, मैं बंबई में पैदा हुई है सच है, लेकिन यू नो माय नेम इज पार्वती। दैट आई नो माय स्वीट वाइफ। अच्छा, हमारी बेटी जानकी कहाँ है? वो बंबई जाएगी क्या? भरतनाट्यम क्लास गई है। तब ठीक है। ओहो, छोड़ो भी। ए, भरतनाट्यम सीखने जा रही हो? ऐसा अपने बाप से झूठ बोलकर स्विमिंग करने आती हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? स्विमिंग सीखने की मेरी बड़ी इच्छा है, ऐसा पापा से कहा था पर वो माने ही नहीं, तो मुझे उनसे झूठ बोलना ही पड़ा। बच्चों के झूठ बोलने का कारण एक ही है, माँ बाप का हद से ज्यादा सख्त होना। ओहो, कहाँ पर बैठना पसंद करेगा प्यारे? वहाँ, उस टेबल पर। भरतनाट्यम क्लास बराबर जाती हो ना? भरतनाट्यम क्लास? हाँ हाँ, जाती हो ना? हाँ यार, बच्चड़ी भी सुपर है, गाय भी सुपर है। इसका इरादा ठीक नहीं लगता, जल्दी खाकर चलते हैं। इसने मेरे पाँव पे पाँव रखा। लोफर, तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी की हिम्मत खराब की है? क्या तुम बदमाशी करोगे और हम चुपचाप से सहन कर लेंगे? हाथ मत पकड़ना, ये पहले कहना चाहिए था ना, तकल्लुफ मत करो, ऐसा बुजुर्ग ही कहते हैं। अभी तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को किस करता हूँ, क्या कर लेगी तू? हाँ छोड़ो मुझे, बदमाश कर। कोई भी तुम्हारी मदद करने वाले वाला नहीं है, ये मेरा इलाका है, समझी क्या? सुन, या मेरी मर्जी चलती है। ए, मारो। Thank you.
बहुत शुक्रिया बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम एडिसन है। रोड रोलर चलाने का काम करता हूँ। अम्बेडकर नगर में जिम खोला है। एडिसन मतलब क्या आप क्रिश्चियन हैं? पता नहीं मिस, मैं एक अनाथ हूँ, माँ बाप नहीं है। मैंने अपना नाम खुद रखा है। किसी भी भगवान का नाम रखकर एक धर्म से जुड़ने से अच्छा है दुनिया के काम आने वाली बिजली की खोज करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन उनका नाम रखना मैं सम्मान समझता हूँ। चलता हूँ। नमस्ते। ओहो, आज भी कोई लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या करूँ, समझ में नहीं आता मेरी। मेरा होने वाला दामाद बुद्धिमान है या नहीं इसकी मुझे परवाह नहीं है। पैसे वाला है या नहीं इसकी भी मुझे परवाह नहीं है। ब्राह्मण है या नहीं इसकी मुझे परवाह है। आप ब्राह्मण से ज्यादा मेरे पड़ोसी हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ठीक कहा। बट यू नो वन थिंग, मैं शाकाहारी ब्राह्मण हूँ। तो आपको क्या लगा हम लोग मांसाहारी ब्राह्मण है क्या? हम लोग पूरे शाकाहारी ब्राह्मण है। पापा लड़की लड़की को ठीक तरह से देख लो, घर जाके शिकायत मत करना। अरे लड़की के हाथों में क्या है? काजू का केक। पापा मैं जाकर पढ़ाई करती हूँ। केक अच्छा है ना? मैंने कहा था ना केक मुझे बहुत पसंद है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि केक में अंडा मिलाया जाता है? केक में अंडा मिलाया होता है ये कैसे मालूम होगा? मालूम होना चाहिए, वही सच्चा शाकाहारी ब्राह्मण है। तुम आधा शाकाहारी ब्राह्मण हो, सो यू गेट अप एंड गेट आउट। एक ही सांस में तीन बार ब्राह्मण ब्राह्मण बोल रहे हो। ए मीनाक्षी, जिस व्हील चेयर पे बैठे हो ना उसे बनाने वाला ब्राह्मण है क्या? तुम्हारी पत्नी ने सिल्क साड़ी पहनी हुई है उसे बनाने वाला ब्राह्मण है? उससे भी ज्यादा तुम्हारी पत्नी और मेरी पत्नी ने जो गले में मंगलसूत्र पहन रखा है उसे बनाने वाला ब्राह्मण है क्या? ये बताओ, मंगलसूत्र बनाने वाला ब्राह्मण नहीं है। चलो और सुनो, तुम्हारे जैसे ब्राह्मणों के कारण ही मुझ जैसे ब्राह्मणों को बदनामी मिलती है। ए जी, दूसरों को तकलीफ दिए बगैर अपने मर्जी से जीना बेहतर होता है, यही अच्छा होता है। इसे भुलाकर आज के जमाने में सदाचार संस्कार कहाँ है? चुप रहो, केवल मैं ही ये सब देखता हूँ क्या? कोई भी वाजपेयी, उपाध्याय, त्रिपाठी, चौबे, दुबे अपने से नीचे जाते वालों की लड़की लेता है क्या? ऐसे लोगों के घर में खाना खाता है क्या? उन लोगों के साथ रहता है क्या? इतना ही नहीं, एटलीस्ट ऐसे घर के लोगों का पानी भी पीता है क्या? अजी, सब लोग ऐसा कहाँ करते हैं? नॉट दैट पॉइंट, कुछ लोग मतलब बहुत से ऐसे लोग नहीं करते हैं। उन लोगों में से मैं भी एक शाकाहारी हूँ। मेरे लिए शाकाहारी मुख्य है, अपने लिए मैं ही मुख्य हूँ। मैं जो देखो तब मैं कहते रहते हो। मैं बोलते रहोगे तो कोई नहीं मिलेगा। और मैं कहने से होंठ भी नहीं मिलते। हम कहने से मिलते हैं होंठ से होंठ। अच्छा बोला, वेरी गुड। अच्छा तुम इस तरह की साड़ी क्यों पहनती हो? तुम भी दूसरों की तरह साड़ी क्यों नहीं पहनती हो? ये तो मेरी आदत पड़ गई है ना। तो मुझे भी सदाचार और संस्कार की आदत पड़ गई है। एक बात जान लो, दुनिया में दूसरों को सलाह देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन उस पर अमल करना हर एक के लिए कष्टदायक होता है। हे भगवान। साहब मेरे पूछने पे बुरा तो नहीं मानेंगे, मुझे एक संदेह है। पूछो बुद्धिमान, कोर्ट में तो कुछ नहीं पूछते, एटलीस्ट घर में तो पूछो। कभी गलती से बाई चांस, यकीन नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए, अगर हो गया तो। लेकिन मैं क्या करूं? क्या बोल रहे हो? जान की किसी से प्यार करके भाग कर शादी कर ले तो? दो खून होंगे और एक आत्महत्या। सबसे पहले मैं अपनी बेटी को और उसके बाद उसके प्रेमी को मारकर मैं खुद आत्महत्या कर लूंगा। मैडम जरा रुकिए, मैं ही आपको देखने आया था। जानती हूँ केक में अंडा मिला है ये मैं नहीं जानता था, इसलिए अनजाने में खा लिया मैंने। आप जानते हुए भी खाते तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ब्राह्मण हैं या नहीं ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं। यस करेक्ट, पढ़ाई को आप सब कुछ समझती है ना। MBBS फर्स्ट क्लास से पास किया हूँ, सभी मंत्र आते हैं मुझे, टाइपिंग शॉर्टहैंड में भी पास हूँ। ओके ओके, आपके शरीर पे कोई चोट का निशान है क्या? आपको फाइट आदि है क्या? कराटे जानते हैं या लाठी चलाना आता है? क्या कह रही हैं आप? आपको पति चाहिए या बॉडीगार्ड चाहिए आपको? आप लड़कियों से पूछते हैं डांस आता है या नहीं, तो क्या मैं आपको नहीं पूछ सकती फाइट आती है या नहीं? आप पूछ सकते हैं खाना बनाना आता है या नहीं, तो क्या मैं नहीं पूछ सकती कि फाइट आती है या नहीं? इस दुनिया में मर्दों के लिए अलग कानून है, औरतों के लिए अलग कानून है। दुनिया बहुत खराब हो गई है। घर से बाहर निकलने के बाद अगर कोई बदमाश मुझे छेड़े
तो जो आदमी मेरी रक्षा कर सकता है वही तो सच्चा मर्द है, और रक्षा करने के लिए उसे फाइट वगैरह आना बहुत जरूरी है उसकी तरह। सर क्या है? आपसे मिलने आईजी आए हैं। क्या बे आईजी वाईजी, सुबह सुबह मंत्री से मिलने आना चाहिए, बोलो इंतजार करें। सर आपसे मिलने कलेक्टर भी आए हैं। अबे आईजी को इंतजार करने को बोला तो कलेक्टर क्या है, बाहर बैठने को बोलो उसे। सर आपसे मिलने फूल भी आया है। फोन रखता हूँ जी। आजा फूल, ये क्या नाम है फूल? वो मेरा नाम चमन कुमार चमन, बचपन में मेरी बाईं आंख में फूल आ गया था, तब लोग मुझे फूल आंख वाला कहकर बुलाने लगे, फिर वही नाम छोटा होकर फूल बन गया। ऐसा? के स्वामी कहाँ है, अंदर है क्या? या के स्वामी, अबे मेरे मालिक को, मेरे सर को, मेरी जान को, मेरे देवता को सीएम कुप्पू स्वामी कहकर आज तक नहीं बुलाया। जानते हो सम्मान के साथ मिस्टर स्वामी ही कहता था। आफ्टर ऑल तुम एक चमचे हो, ये जानते हुए भी तुम उन्हें ऐसे कहते हो? गलती हो गई, गलती हो गई, मुझे माफ कर दिए, मेरे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। मार दिया, अरे मार डाला। फूल, क्या रे फूल, ये शोर कैसा हो रहा था, ये खून कैसा है? वो सर, मैं जब अंदर आ रहा था तब आपका एक पॉलिटिशियन नेता के स्वामी अंदर ऐसा कह रहा था। ऐसा क्या? हाँ, तो मैंने क्या कहा, हाँ, मेरे मालिक, मेरे साहब, मेरी जान को, मेरे देवता को के स्वामी कहकर कोई नहीं पुकारता, सम्मान के साथ मिस्टर स्वामी ही कहकर पुकारते हैं। तुम आफ्टर ऑल एक नौकर हो, तुम उन्हें ये वो कहते हो, ऐसा मैंने बोला तो उसने मुझे कुत्ते की तरह मारा, बहुत खून बहा, आधा खून पहुँच कर अपने माथे पर लगाकर जैसे कि मैंने उसे नीचे धकेल दिया, जिस कारण उसका माथा फट गया, ऐसा नाटक कर रहा है, खुद ही देखेगा, वो चीखते हुए पुकारते हुए अभी अंदर आएगा। हाँ, अरे मालिक, वो देखिए मालिक, बहुत खून बह रहा है। अबे चुप कर, तुम्हारे माथे से खून कैसे बहा मैं सब जानता हूँ, बाहर निकलो यहाँ से, अभी मैं तुम्हें अपनी पार्टी से बाहर करता हूँ, चलो जाओ। वोटर है के स्वामी। अबे तूने ही तो खुद मुझे पार्टी से निकाला, तो मैं तेरा सम्मान कैसे करूंगा, वोटर है मालिक आया बड़ा। अब नाच क्यों रहे हो? वो तो चला गया। चलो वो कुत्ता तो गया, चलो बैठो। फूल, वो खाने पीने का क्या हुआ? 5 करोड़ एक ही बक्से में रखकर लाए हो? तो ऐसा करो, शक्कर वाला लाइसेंस उसी को दे दो, ठीक है ना? तो फिर उस बात का क्या हुआ? फिर वो उस बात का क्या हुआ? वो पार्टी है ना, वो सेक्स सॉस के साथ आई है। क्या बोल रहे हो, सेक्स इज नाइस, ये मंत्री, पोस्ट, गवर्नमेंट, जनता सब एक साइड में। मालिक सुपर ड्रेस पहने हैं, देखने से मंत्री नहीं कॉलेज के स्टूडेंट समान देखते हैं। मूर्ख, मंत्री बनने पर धोती कुर्ता पहनना जरूरी है क्या? यमुना नदी में सब चड्डी पहन कर नहाते हैं, मंत्री हूँ तो हमेशा धोती कुर्ता पहनूं, विदेश जाता हूँ तो कोट सूट पहन कर जाता हूँ, ऐसी रंगीन जगह के लिए रंगीन कपड़े पहनता हूँ। अच्छा बात मत बना, बता छोकरी कहाँ है? आ गई है। कमसिन है ना? कमसिन ही है, किसी ने छुआ तक नहीं है, पिछले महीने ही 14 साल की हुई है। लेकिन कमसिन है ना? नहीं नहीं, उधर देखिए। फिगर तो सुपर है पर उम्र ज्यादा लगती है, शी इज नॉट 14। आपको समझ में नहीं आ रहा है, छोटी उंगली को टाइट कीजिए। वेट फूल, सच में ये कच्ची गली है ना? मालिक आप खुद ही छूकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। मुझे शर्म आती है। अरे ये तो 440 वोल्ट है। आपने सुना नहीं उसने कहा कि उसे शर्म आ रही है? Thank you.
यहाँ? वो मैं यहाँ ए लड़के, दुपट्टा यहाँ छोड़कर वहाँ पीठ घुमाकर पोज मारने से क्या होगा? हम बहुत संस्कारी लड़के हैं, आंख बंद कर लेते हैं, एक पल में दौड़कर दुपट्टा उठा लो। नोटों से भरे बैग लाने पर ही मंत्री जी सुनते हैं, फरियादी लेटर लेकर आओगे तो उनके अपने जूते साफ कराएंगे, ये समझे बिना ही लाइन लगा कर बैठे हैं, मूर्ख लोग। एडिसन, तुम्हें थोड़ी भी अक्ल नहीं है? फरियाद करने वाली जगह पर, वो भी मंत्री के घर पर बड़े आराम से बीड़ी सुला रहे हैं। बाहर निकालो बीड़ी को। ए, स्मोक नहीं करने का बोर्ड कहाँ पर लगा है? मेरा हाथ, मेरा मुंह, मेरी बीड़ी, मैं तो पीऊंगा। ऐसी फालतू बात मत कर, हमारा काम होना चाहिए ना। बारिश से, तूफान से गांव वालों के उजड़े घर को बनवाने के लिए हम प्रार्थना पत्र देने आए हैं ना, इसलिए हमें मंत्री साहब से ये शराफत से पेश आना चाहिए, ये मत भूलो, समझे? ये मैं नहीं भूला हूँ रे, मंत्री जी भूल गए। कितने नंबर का लेटर मालूम है? ये 20वां लेटर है। नेक्स्ट बुला रहे हैं, चलो चलो चलो। मंत्री जी को ये पत्र देना है। मुझे दे दो, मैं दे दूंगा। वोट तो मंत्री जी को दिया था ना। एडिसन बस मत करो। तो क्या इसके लिए मंत्री जी को हर आदमी से मिलना होगा क्या? वोट मांगते समय तो हर एक के पांव पकड़कर वोट मांगे थे ना। एडिसन बहस मत करो सर, ये तो भीख मांगने जैसा है। तुम चुप रहो, इसे तो बकबक करने की आदत है। आप मंत्री जी से बोलकर गरीब जनता के उजड़े घर को बनवा दे सर। सर आप कहेंगे तो जरूर होगा सर। अच्छा जाओ। थैंक यू सर। अरे चलो, मान तो गई, यही बहुत गनीमत। अरे बड़ी मुश्किल से मानिए मैडम। हाँ, 7 करोड़ में। ओहो, हमेशा नाक खुजाते रहते हो। मुझे नजले की बीमारी है ना। अगर छींकना है तो बाहर जाकर छींको, बंगले में छींककर गंदा मत करो। देखो देखो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टेप रिकॉर्डर लाया हूं। जरूर मतलब की बात होगी। ठीक है, तुम गाना सुनो, मैं उनसे बात करके आती हूं। नमस्ते मैडम। हम चलते हैं मैडम। बेकार के भटकते रहते हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? मेरा क्या लक्ष्य होगा, आपसे मिलना ही मेरा लक्ष्य था। मेरा लक्ष्य क्या है बताओ? करोड़ों करोड़ों करोड़ों। क्या कंकड़ पत्थर? मैं भला क्यों कंकड़ पत्थर चाहूंगी, मुझे मंत्री बने रहना है। मंत्री हमेशा नहीं रहता है, हमेशा आदमी भी नहीं रहता है। एक दिन मरकर लाश बन जाता है, लाश भी हमेशा नहीं रहती, जलकर राख या गड़ने से मिट्टी बन जाती है। बेकार की बातें मत करो, क्यों आए हो बताओ? वो मुझे जरा अर्जेंटली पैसे चाहिए थे। क्या कहा? हाँ, एटलीस्ट 1 लाख चाहिए। उस दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि 10 पैसा भी नहीं दूंगी। थोड़ा पुरानी बातें याद करके सोचो। मैं पुरानी बातें क्यों याद करूँ, अगर तुम चाहो तो याद कर सकते हो, एक ग्लास पानी पीकर फूट जाओ। कभी तू मेरे साथ। देवता मेरे, देवता मेरे, तुम्हारे फूल नाम की तरह तुम्हारे पैर भी उतने ही नाजुक हैं। ए, पैर दबाते समय मस्का मत लगाया कर, बोला था ना तुमसे।
बताओ क्या काम है? देवता मेरे, अगले इलेक्शन में के स्वामी से कहकर मुझे एक टिकट दिलवा दो ना, मुझे भी इलेक्शन में खड़ा होना है। इसे खड़ा करूं? बहुत काम आएगी या सरक जाएगी? सुनो, इस इलेक्शन में मैं खड़ा होता हूँ, उसके बाद मैं के स्वामी से तुम्हारे बारे में बात करूंगा, ठीक है? हमारे नेता के स्वामी की जय हो। 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 हमारे नेता के स्वामी की। बस करो, बस करो, बस करो। फूल, कितना खूबसूरत चेहरा है ना? लेकिन मुझे तो अंधी लगती है। तू भी यार। आइए आइए, स्वागत है, स्वागत। कितने बच्चे पढ़ते हैं यार? 120 बच्चे हैं। 120 बच्चे? 120 बच्चे मीटिंग में भी जाना है? रिबन काटो। अबे कैंची मांगो क्या, दांत से रिबन काटूंगा? कैंची कहाँ है? कैंची कहाँ है? जानकी के पास है टीचर। बेटा जानकी जल्दी लाओ। तो लीजिए सर। सर जी काटिए, काटिए सर जी, काटिए ना। कैसा है हमारा शेप? सरोजा देवी के रेंज की तरह बहुत अच्छा है। अबे पुरानी बातें कितनी बार दोहराओगे, कुछ नहीं बोलो। गुड मॉर्निंग सर। विदेशी महिला को हमारा नमस्कार। ए अच्छी है, बात करके फिक्स करूं? क्या बात फिक्स करोगे, ये कौन है जानते हो? कैप्टन की बीवी है। अगर वो ये बात जानकर नौकरी छोड़ दे तो शिप चलेगी नहीं, डूब जाएगी। जहाज कैसे डूब सकता है? फूल, दुनिया में डूबने लायक बहुत सारी चीजें, उसे छोड़कर जहाज कैसे डूबेगा, गवर्नमेंट कैसे डूबेगी, ये सब पूछ रहे हो? कैची वाली छोकरी के बारे में क्या सोचते हो? वो तो मीनाक्षी सुंदर शास्त्री की छोकरी है। जानता हूँ यार, मैं क्या भगाने के लिए बोल रहा हूँ, रीति रिवाज से शादी करना चाहता हूँ मैं। एक गधे की उम्र क्या होती है? 7 बरस। 7 7 14 14 और 7। ए तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं सब समझ गया। अबे इतने बड़े गधे हो गए हो और ये पूछ रहे हो कि मुझे शादी क्यों करनी है? इधर सुनो फूल, वो तो बहुत खूबसूरत है, समझे? उसका बाप बहुत बुद्धिमान है, मैं भी तो एक मंत्री हूँ, मेरा धंधा बहुत बड़ा है, अगर ये चारों गुण मिल जाए तो क्या होगा? अच्छा होगा भाई। तो सब सीखना चाहती हूँ। लाठी सीखना बहुत मुश्किल है ना? नहीं, लाठी चला सकती हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इतना है। बचपन में स्कूल में टीचर हाथ पकड़कर सिखाती थी, घर में रंगोली बनाते वक्त भी माँ हाथ पकड़कर सिखाती थी। आप भी हाथ पकड़ के सिखाइए ना, अगर आप कोई एतराज ना हो तो। नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो झूठ बोल रहा है। उसको छोड़ो, वो तो पीछे से ऐसे। हाँ थोड़ा सा घूमो। हाँ हाँ। अरे भाई क्या रे, लड़कों को एडिशन लाठी चलाना कैसे सिखाता है? अबे कब से सीख रहा है लाठी बाजना? 6 महीने से। 6 महीने तक लाठी को घुमाना नहीं चाहिए, सिर्फ दंड मारना चाहिए, ऐसा एडिसन ने कहा था ना। पहले दंड मारो, मारो 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 दंड। इसी तरह सिखाते हो ना लड़कों को? हाँ, रूल्स यानी रूल्स है, रूल्स यानी रूल्स है। सभी दंड मारने का हो, हाँ दंड मारने बोलो। तुम भी दंड मारो। हमारा अखाड़ा पुण्य भूमि हो गया। ए, तुम दंड मारने के समय नीचे गिरे थे, तब एडिसन ने क्या किया था? नीचे से पेट पर हाथ रखकर हेल्प किया था। एडिसन नीचे से पेट पर हाथ रखो। हाँ रूल्स है, रूल्स है, रूल्स है, रूल्स है। पहले हाथ पकड़ा, फिर नीचे से पेट पर हाथ रखा, फिर कुछ कुछ करके बदन पर हाथ फिराया, उसके बाद धूम धमाका होगा। यक्ष किन्नर गंधर्व सिद्ध विद्या धरे सवा।
उत्तम मानव महात्मानं वंदेयं गणनायकम्। फूल क्या सर, अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा ना? ऐसा कुछ नहीं होगा सर, हम बहुत अच्छे काम से जा रहे हैं। बाल कैसे हैं? हाँ अच्छे हैं, विदेश ऑयल भी लगा है। मेरा बाल अच्छा है? हाँ अच्छे हैं, गन्ने के खेत की तरह लग रहे हैं। मेरे बाल भी अच्छे हैं। बैठिए सर, पहले आप बैठिए। आप तो पहले ही बैठे हुए हैं। बात बिगाड़ दोगे लगता है। मैंने तो अच्छे के लिए कहा। तुम अच्छा कहोगे लेकिन मजाक जैसा लगेगा। अपनी पार्टी के लिए डोनेशन मांगने आए हैं? मांगने ही आए हैं, डोनेशन नहीं, आपकी बेटी को। ये अपने मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों से कम उम्र के मंत्री हैं, ज्यादा उम्र नहीं हुई है। परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि आप राज्यसभा का चुनाव जीतकर एमएलए बन जाएंगे, लोकसभा का चुनाव जीतकर एमपी बन जाएंगे, आईपीएस पास करने से पुलिस अधिकारी और आईएएस पास करने पर कलेक्टर। लेकिन चाहे जितना पढ़ लो और चाहे कोई भी पोस्ट पा लो, एक ब्राह्मण बन सकते हो क्या? मेरी पॉलिसी कुछ ओल्ड है बट गोल्ड। लेकिन मैं तो तुम्हारी लड़की पर बोल्ड हूँ। स्वामी पॉलिसी आखिर क्या है? पैसा कमाने का एक तरीका है। सोचिए आप एक पॉलिसी के साथ 35 सालों में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते इस चेयर पर घूमते घूमते क्या मिला आपको? बस एक छोटा सा बंगला और टी नगर के दुकान से भाड़ा मिलता है आपको। ये जानकारी मुझे पहले ही मिल चुकी है। आपको पता है ना, 4 वर्षों से मंत्री पद पर हूँ। मेरी दौलत सच में कल रात तक 69 करोड़ रुपए थी। आज रात की कमाई गिनने पर पता चलेगी। बेहतर है आप अपनी पॉलिसी बदल कर थाली भी बदल लीजिए। तो सासू माँ अब आप ही समझाइए, ये तो समझना ही नहीं चाहते। आपकी इस खामोशी का मतलब क्या है? आप नीचे आकर थाली तो बदल सकती हैं ना। माला थाली उठाकर उनको दो। स्वामी थाली ले लीजिए। अगर आप मेरे ससुर बन गए तो मेरे पहचान के कई लोग अमेरिका में डॉक्टर हैं, वहाँ पर आपका इलाज करवा दूंगा। पैर ठीक हो गया तो आप डेली फुटबॉल खेल सकेंगे, सासू माँ को मंदिर ले जा सकेंगे। तुमने दरवाजे पर कुत्तों से होशियार का बोर्ड लगा देखा होगा, लेकिन हमारे पास कुत्ते नहीं है। फिर भी वाय, फिर क्यों बोर्ड लगा जानते हो? ताकि तुम्हारे जैसे कुत्ते भूलकर भी हमारे बंगले का रुख न कर सके। रुक जाओ, गेट आउट। ए, मार कर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या भौंक रहा है तू? लड़की के बाप इसलिए चुपचाप सह गया मैं? मुझको कुत्ता बोलता है, एक लात मारूंगा तो कलेजा बाहर आ जाएगा। सूरत देखिए अपनी। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे पैरों में सालों से जान नहीं है, ये पैर कभी मेरे काम नहीं आएंगे यही सोचता था, लेकिन आज काम आएंगे ऐसा लगता है मुझे। मारने पर भी दुखता नहीं, काट लूंगा इन्हें और कहूंगा कि तुम लोगों ने काट दिए। तुम लोग मुझे कमजोर समझ रहे थे ना, अब देख मैं क्या करता हूं। मैंने अपने बचाव के लिए तुम्हें गोली मारी, मैं ये कहूंगा रास्कल, ये तुम क्या समझते हो? द ग्रेट मीनाक्षी सुंदरम शास्त्री और द लॉयर ऑफ द कोर्ट। कोर्ट और केस में राजाओं का राजा हूं, क्रोध में और चरित्र में बदमाशों का बदमाश। बोल, उसका बाप शास्त्री है ना, वो ओल्ड है, वो सठिया गया है, लेकिन उसकी बेटी है ना यंग है, मॉडर्न गर्ल है। वो एक मंत्री से शादी करके झंडा लगे कार में घूमेगी, बड़े बड़े ऑफिसर कार का दरवाजा खोलेंगे, ज्वेलर्स की दुकान में शान से जाएगी तो उसे अच्छा लगेगा, ये सब जरूर सोचेगी। तुम एक काम करो, उससे पर्सनली मिलकर उसे कहोगे तो वो मान सकती है। ये सब तुम ही कर सकते हो, जरा अच्छे से बात करना। राम जी ने सीता को संदेश देने के लिए हनुमान जी को क्या दिया था? क्या दिया था? अंगूठी दी थी। ये लो। वो कौन सा कार था?
ये कौन सा काल है? अगर आप गले की चेन दे दे तो। चेन रखकर क्या करोगे, तुम सिर्फ उसको मना लो, फिर वो कोहिनूर हीरा तुम्हारे नाम कर दूंगा। वो आप कैसे लिख सकते हैं मेरे नाम? वो मैंने पिछले हफ्ते खरीद लिया है। ध्यान से सुनो फूल, जब मैं अंडमान से अगले महीने वापस आऊंगा तब एयरपोर्ट पर सरकारी कार के बदले मेरे ससुर की कार आनी चाहिए। आपके ससुर भी आएंगे ना, आप उनकी गोद में बैठकर उस व्हील चेयर पर आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इससे ऐसे ही झटकना चाहिए, ये मेहनत की कमाई नहीं घूस की कमाई है। इस लंगूर को हूर चाहिए। मनी, मैं थोड़ा कलेक्टर ऑफिस होकर आता हूँ। पापा, मैं डांस क्लास जा रही हूँ। अच्छा, आप किसी से भी नहीं डर? क्यों, इंसान को अपने जीवन में डरना चाहिए ऐसा कानून है क्या? मैं अपनी अंतरात्मा से डरता हूँ, अंबेडकर नगर वासियों के प्यार के आगे झुकता हूँ, पर उनकी आज्ञाओं का पालन करता हूँ ये नहीं कह सकता। शादी के बाद तुमसे भी डर सकता हूँ, कितना भी हिम्मत वाला क्यों ना हो, पर पत्नी के सामने डरना ही पड़ता है। कर लेना। ए, रुक। वो आधे में नहीं रुकेगा, पूरा करके ही रुकेगा वो। ए, बंगले के अंदर गंदगी फैलाकर जबान लड़ा रहा है। जबान नहीं लड़ा रहा हूँ मैडम, हमें देखकर आप लोगों को मजाक सूझ रहा है। हर वर्ष बारिश के महीने में भयंकर तूफान आ रहा है, हर वर्ष हमारी झोपड़ियाँ टूट जाती हैं, हर वर्ष हेलीकॉप्टर से चावल भी गिराते हैं, हर वर्ष बारिश के पानी में मंत्री लोग धोती उठाकर हाल चाल पूछने भी आते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में न्यूज भी छपता है, मगर नतीजा? अरे आपके पास वक्त कहाँ है? किस पैसे वाले से, किस करोड़पति से कैसे मिले, कैसे उनसे बक्सा भरा नोट ले, उन नोटों को कहाँ रखे, यही सोचना आपका कर्तव्य है। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ, एक एक पार्टी का हेड ऑफिस कितना बड़ा है, हमारे पास क्या है? मंत्री लोग अपना वेतन तो बढ़ा लेते हैं लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते, ऐसे घुसखोर चोर मंत्रियों को जूते चप्पल से मारना पाप नहीं पुण्य है? ए, मंत्रियों को कोसते हो? ओह, आप भी ना मैडम गलत समझ लेती हैं। मैंने सब मंत्री को थोड़ी कोसा है, रिश्वत लेने वाले मंत्री को ही कोसा है। रिश्वत मतलब क्या है, वो भी एक तरह की चोरी ही है ना जी। देखिए, आपके घर में चोर घुसकर सामान चुरा कर भागे तो आप क्या करते हैं, उसे पकड़ कर खूब मारते हैं, ढूंढते हैं, ऐसा ही करते हैं ना, उसी समान ये भी है। तुम मंत्रियों को रिश्वतखोर समझते हो, अगर वो रिश्वत लें तो उस विभाग के अधिकारी को कंप्लेंट करनी चाहिए। अगर वही अधिकारी रिश्वत लेने वाला होगा तो रिश्वतखोर पक्का होगा, यकीनन होगा। मैं रिश्वत लेने वालों की बात कर रहा हूँ, उसे सरेआम चप्पलों से मारना चाहिए। यानी कानून को तुम लोग अपने हाथों में लोगे, पुलिस किस लिए बैठी है यहाँ पर? थाने में लड़कियों का बलात्कार करने के लिए है सर, ऐसी खबर पेपर में छपा था, मैंने भी पढ़ा है। ए, तूफान के कारण हमारे घर टूट गए, हम बर्बाद हो गए, ऐसी झूठी बातें मुझसे मत करो, ये तो प्रकृति से हुआ है, ईश्वर की लीला है। एकदम सत्य बोला, प्रकृति ने आपके बंगले को क्यों नहीं तोड़ा, ईश्वर ने आपको अपनी लीला क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि आप लोग शातिर हैं और हम लोग जाहिल हैं, हमें बात करनी नहीं आती, हम लोग मूर्ख हैं। चुप, बंगले में घुसकर भिखारी लोग भीख नहीं मांगा करते हैं, क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? हाँ, प्लेटफॉर्म भी नसीब नहीं होगा तुम्हें, याद रखना बदमाश कहीं के। एडिसन, इसे इज्जत देना आवश्यक नहीं है, लुंगी उठा अपनी धारदार चड्डी से बीड़ी निकालो
मुंह में लगाओ और बीड़ी सुलगाओ। धुआं मुंह पर मारो। मैं चाहूं तो तुम्हें मरवा सकती हूँ। एडिसन, मेरा गला दुख गया है। तुम्हें कुछ कहना है तो अच्छा मौका है, अभी कह दो। चल फूट ले। ए, चुपचाप मंत्री के रास्ते से हट जाने तो तेरे को जान से मार डालेंगे। ए, मंत्री हो या चौकीदार हो। ए, किधर जा रहा है? पतली गली पकड़ रहा है क्या? अभी तेरे को यहीं रुकना होगा। देखता जा एडिसन कैसे इन सब की पुंगी बजाता है। तू चुपचाप ये सब देखता जा। अरेस्ट। मैं जानता हूं सर, मंत्री का घर तोड़ने के लिए मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, ये न्याय की बात है, पर मंत्री ने हमारी झोपड़ियां जलवा दी, इसलिए पहले मंत्री को अरेस्ट कीजिए।
उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या ये भी कोई कानून है? जिंदा लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं, मरे को अरेस्ट नहीं कर सकते। मंत्री पर रोड रोलर चलाकर मारने के जुर्म है, मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। शॉट मारा मैंने, ये शानदार वंडरफुल था। ए जी इधर तो देखिए। और क्या अच्छा है, मुंबई कहने से आप छोटे हो जाएंगे क्या? हे भगवान, मेरी पीठ में खुजली हो रही है। किसी और काम के लिए बनाई गई चीजों का इस्तेमाल किसी और काम में कर रहे हैं लोग। ए जी, बॉल स्टिक से पीठ नहीं खुजा सकते क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा मुंबई, देखो ना, रोड बनाने के लिए रोड रोलर का आविष्कार किया गया। हा? उसे ले जाकर एक महिला मंत्री पर चढ़ाकर चटनी बना दी किसी बदमाश ने। ये पढ़ो। एडिसन स्वामी, एडिसन ने खून नहीं किया स्वामी, वो बहुत अच्छा आदमी है स्वामी, वो रोड रोलर लेकर गया था, ये बात सच है स्वामी, लेकिन ये खून उसने नहीं किया है स्वामी, उसे आपको किसी भी तरह बचाना होगा स्वामी, वो बहुत अच्छा इंसान है स्वामी, हम पर कोई आफत आती है तो वो हमें बचाता है, यही कहने आए हो ना तुम लोग? अजी ये जो कह रहा है आपको झूठ लगता है क्या? लेकिन ये सच बोल रहा है, उस दिन जानकी कौर मुझे एक ड्राइवर ने बचाया था, मैंने कहा था ना ये वही लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है जी। ए मोदी, इन लोगों से कितनी फीस लेनी है, फीस करके उसे जमानत पर बाहर लाओ। और कुछ? अब तुम धन्यवाद कह के वापस जाना चाहते हो ना, तो जाओ। मंत्री का खून कर दिया, मुझ पर इल्जाम थोपा गया है। मीनाक्षी सुंदर शास्त्री का जूनियर। एडिसन किसका नाम है? मैं हूं सर। शास्त्री जी ने इसकी जमानत करवा के इसे ले जाने के लिए मुझे भेजा है। पुलिस स्टेशन में मारपीट करके सब तोड़ दिया इसने, कैसे छोड़ दूं मैं? मत छोड़ो, मत भेजो, अच्छा बंद कर दो, कोर्ट में शास्त्री जी से टक्कर लेने को तैयार हो? क्या कह रहे हो आप? अरे ले जाओ इसे यार, यहां से ले जाओ, आए देरी से, थोड़ी देर पहले आए होते तो हम सब तो ठीक ठाक होते। खैर पेपर में साइन करा के ले जाओ इसे। नमस्ते सर, बहुत गुस्से वाले हो। ऐसी बात नहीं है सर, लड़ाई झगड़े में मैं नहीं पड़ता, लेकिन लड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं। That's you are. मैं भी ऐसा ही हूँ, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता, लेकिन लड़ने आता है तो छोड़ता भी नहीं। कम टू द पॉइंट, जमानत का मतलब जानते हो ना? मैंने तुम्हारी जमानत ली है, और अगर तुम पुलिस को धोखा देकर भाग गए तो तब पुलिस तुम्हें छोड़कर मुझे पकड़ेगी। बेहतर होगा कि तुम मेरे बंगले के आउट हाउस में रहो, तुम भी सेफ, मैं भी सेफ। तुमने मुझे और मेरी बेटी को बचाया था ना उन बदमाशों से, इसलिए अपने पति से कहकर मैंने तुम्हारे लिए सिफारिश की।
जानकी शास्त्री जी की बेटी है क्या? ये उसे दो, उसको भगवान के सपोर्ट की सख्त जरूरत है। तुमने कोई अपराध नहीं किया होगा, प्रसाद ले लो। रहने दीजिए, मैं ये सब नहीं मानता। नास देखो, भगवान पर विश्वास नहीं है तुम्हें? जी हाँ। भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, आजकल ऐसा तुम जैसे युवक कहते हैं, और अचानक भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो तुम क्या करोगे? भगवान को मान लूंगा सर। ओके, वो सब तुम जानो, लेकिन मैं एक बहुत ही भयंकर आस्तिक हूं। मुझे क्या पसंद नहीं जानते हो? भगवान को कोसना, पढ़ाई के वक्त कॉलेज छोड़ करके बाहर घूमना, जीवन में हारना, परिवार से छुपाकर प्रेम विवाह करना, जिस थाली में खाना उसमें छेद करना, ये सब मैंने तुमसे क्यों बताया जानते हो? तुम्हारा केस मेरे पास है इसलिए नहीं, बल्कि तुम मेरे बंगले में ठहरने वाले हो, इसलिए मेरे कैरेक्टर को अच्छी तरह से समझकर ढंग से रह सको। दूसरा वकील कर लेते हैं। अरे इंडिया में यही अच्छे वकील हैं, इसलिए दिल्ली बॉम्बे से करोड़पति आकर इनके पैर पकड़ते हैं। ऐसे नामी वकील को छोड़कर विदेशी वकील चाहिए क्या? तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। हाँ अच्छा है, लड़ो, खुद लड़ो। ये तुम क्या बोल रहे हो? किसी थिएटर के बाहर टिकट ब्लैक से बेचते पकड़े जाते या कहीं पिक पॉकेट करते पकड़े जाते तो लड़ सकते थे, लड़ते ट्राई तो कर सकते थे, हारते भी तो तुम्हें 3 महीने या 4 महीने की सजा होती, नहीं तो 1,000 या 500 रुपया फाइन होता। लेकिन तुम एक खून के केस में फंसे हो, वो भी साधारण तरीके से नहीं, पूरी तरह योद्धाबद्ध तरीके से। ठीक है छोड़ो, मैं केस नहीं लड़ता, फांसी पर चढ़ जाऊंगा। सुनो, कोई जाकर 10 लीटर पेट्रोल लेकर आओ, पेट्रोल छिड़क कर हम सब मर जाते हैं। ए मणि, क्या बोला था? हम सब साथ जिएंगे, कोई भी खुशी होती हम साथ मनाते थे, कोई कष्ट होता था तो मिलकर बांटते थे। हमारे लिए कष्ट आने वाले तुम ही मर जाओगे तो हम लोग जिंदा रहकर क्या करेंगे? उस दिन जब बिना बेटा मरने के कागार पर था तो तुमने ही खून दिया था, आज मेरे बेटे के शरीर में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। आज तुम मरना चाहते हो तो हम खामोश रहेंगे क्या? बेटा क्यों पागल बन रहे हो? तुम मरोगे तो हम भी मरेंगे। शांत हो जाइए। सुनिए, आप लोग खुश हैं तो मैं वही करूंगा, आप तो खुश हैं? मैंने पेपर में पढ़ा, कैसे हुआ ये? फाउंडेशन ही ठीक ना हो तो ऊपर घर बनाने में दिक्कत होती है, इसलिए फाउंडेशन को तोड़ देना ही सबके लिए अच्छा होगा। मेहरबानी करके मुझे भूल जाओ। मन में किसी और को बसाया हो और मंडप में मंगलसूत्र किसी और से बंधवाओ, ये शादी नहीं होती, पाप होता है। ए जी, कल रात आपने खाना नहीं खाया, सुबह खाना नहीं खाया, दोपहर में नहीं खाया, अब भी मना कर रहे हो, चक्कर आ जाएंगे ना? खाना ना खाने से सिर्फ चक्कर आएगा, लेकिन अगर केस हार गया तो मैं मर जाऊंगा। सुना क्या, सब समझा भी? मुझे क्या कहते हो? दूसरे वकील की बात की तो उसके लिए भी मना कर दिया, मैं खुद लड़ता हूँ बोला तो उसे भी मना कर दिया। ठीक है, केस नहीं लड़ता हूँ, फांसी पर चढ़ जाता हूँ तो उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं हो? उसके पापा की हर कंडीशन को मानकर, उसके सामने हंसकर, हाथ जोड़कर काम निकालने के बाद उसके गले में मंगलसूत्र पहनाऊंगा तो उसके पापा ने जो कहा था, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं ही बनूंगा। ओफो, अब इसका क्या मतलब हुआ? जो मदद करता है उसका ही नुकसान करना। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हाँ, उस दिन होटल के बाहर गुंडों से मुझे और मेरी माँ को बचाकर हमारी मदद की, अब वो सब मैं अगर भुला दूं और ये भुलाकर मैं इससे शादी ना करूं तो इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। मुंह मोड़ने का मतलब है धोखा, एक लड़की से प्यार करके उसे छोड़ देने जैसा। हाँ, सुपर। अरे मूर्ख, फूल की तरह कोमल है इसका हाथ, इसे छोड़ने की बात कर रहे हो, दुनिया में तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। अरे, वो बिना मतलब की बात कर रही है और तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? जीवित को प्यार कर सकते हैं, लाश से प्यार नहीं कर सकते। मेरे जीने मरने का भी फैसला नहीं हुआ। मेरे पापा के पास अगर मुर्दा भी जाए ना तो जिंदा हो जाए। समझ ले, पापा को कब्रिस्तान के पास मत ले जाना, मुर्दों को जिंदा कर शहर में ले आएंगे।
ये शास्त्री जी से पहले आकर क्यों बैठा है? पापा, कोर्ट में मैंने चार्जशीट शामिल कर दिया है, गवाह भी आ चुका है, उससे ही बोलिएगा, बेकार में बोलकर केस खराब मत कीजिएगा। कसम खा लेना। हाँ कसम खा लिए सर। तो चुप क्यों, बयान दो। हमारा नाम रामधारी है, हम ही मंत्री कलावती के बंगले के सिक्योरिटी है। हमेशा की तरह कला मैडम के सोने के बाद सब नौकर लोग घर चले गए। रोज की तरह हम गली के नुक्कड़ के दुकान पे चाय पीने गए कि जल्दी लौट आऊंगा, लेकिन वो रात मनहूस थे, मेरा वक्त खराब था। वहाँ दो पुराने दोस्त मिल गए, दोनों ने दारू पीने को कहा, हम मान गए और दारू पीने लगे। पीते पीते समय का पता ही नहीं चला। हम आधा घंटा बाद वापस आए तो का देखते हैं कि बंगला तो पूरा तरह से ढह चुका है। नशा में हम का करें, हम सोच ही रहे थे कि पुलिस आ गई, और उसके बाद क्या हुआ ये सब आप लोग जानते ही हैं। बहुत हुआ जाओ। योर ऑनर, इस समय कटघरे में खड़े आरोपी एडिसन और मारी गई मंत्री कलावती दोनों के बीच दुश्मनी थी, ये बात इसने खुद कबूल की है। दुश्मनी के कारण मंत्री ने इसके इलाके की झोपड़ियों में आग लगवा दी और एडिसन ने रोड रोलर लेकर गुस्से में मंत्री के बंगले को तहस नहस करके बर्बाद कर दिया। ये बात भी खुद इसने कबूल किया है, लेकिन देखिए रोड रोलर से मंत्री का खून नहीं किया है, ये कबूल नहीं करके इनकार कर रहा है ताकि ये खुद को बेगुनाह साबित करे। ये तो वही बात हुई ना, किसी को भोज में पत्ते पर गर्मा गर्म भात डाल कर दिया, उस बात पर गर्मा गर्म दाल डाल दिया, खूब सान कर निवाले को मुंह तक ले गया मानता है, लेकिन उस निवाले को खाया नहीं ऐसा साबित कर रहा है। मारी गई मंत्री के खून में नींद की दवा, नशे की दवा मिलाई गई, ये बात तो मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बोल रहा है ब्लड टेस्ट करने वाला डॉक्टर का सर्टिफिकेट। अगर नशीली दवा मिली होती तो बंगले को ढाते समय मंत्री नीचे गिर गई और एडिसन ने अनजाने में कुचल दिया। नाउ नो चांस। इसके जैसे अपराधियों को अगर सजा मिली तो पुलिस वालों की खाकी वर्दी और हम वकीलों के काले कोट का तो लोग सम्मान ही नहीं करेंगे। बेरहमी से खून करने वाले एडिसन को भयंकर सजा यानी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरी बस कोर्ट से यही गुजारिश है। यस मिस्टर शास्त्री। नो क्वेश्चन। अरे पहले से संभल कर बैठना चाहिए। द केस इज एडजर्न। अबे कंजी रुक। उसने फैसला क्यों नहीं किया? अरे उसने तो फैसला किया था। तो आज क्यों नहीं किया? पता नहीं। वो चला क्यों गया? पैर उठाकर मेरे सामने रखता था। चल भाग यहाँ से, मैं तो मारूंगा। संभाल कर ले जाना, उस दिन की तरह सर मत फोड़ देना मेरा। जी मालकिन। एजी, पीपल के परिक्रमा करने से लड़का होता है ऐसा बुजुर्ग कहते हैं, लेकिन पत्नी के परिक्रमा से आईडिया आता है ऐसा है क्या? डिस्टर्ब मत करो मुंबई। एजी, बड़े लाड और प्यार से मेरी माँ ने मेरा नाम पार्वती रखा। इस नाम से आप मुझे एक बार भी नहीं पुकारते, ये मैं कब से कह रही हूँ, कह दीजिए ना जी। पार्वती कहने से भक्ति आती है, मुंबई कहने से जोश आता है। मरने से पहले एक बार तो पार्वती पुकारिए। तुम्हारे मरने से पहले? तुम तो आज भी मधुमाला और वैजंती माला की तरह हसीन और जवान हो,
मुझे तो ब्लड प्रेशर, शुगर और न जाने कौन कौन से रोग हैं। इसलिए ये तो तय है कि पहले मैं मरूंगा, लेकिन मरने से पहले जरूर कहूंगा। क्या करूं राम, मुझे बुड्ढा मिल गया। मिल गया, मिल गया, मुझे मिल गया। गुड कंडीशन में है, बुढ़िया बैड कंडीशन में यानी कमजोर है, ड्राइवर को 10 साल का एक्सपीरियंस है। ए ड्राइवर, लाइसेंस दिखाओ। स्टार्ट। बुढ़िया को कुचल डालो। से किसी को कुचलना संभव है क्या? सच में नहीं हो सकता मीनाक्षी। दौड़ा कर भी नहीं, चला कर भी नहीं, ट्रक जैसी तेज चलने वाली गाड़ी को रोड पर चलने वाले व्यक्ति के ऊपर चढ़ाकर उसे कुचल सकते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे धीरे चलने वाला वाहन है रोड रोलर। और फिर बंगला ढहाते समय बहुत तेज धमाका हुआ होगा। धमाका सुनकर मंत्री कलावती उठकर भाग सकती थी। ट्रक की तरह इतनी आसानी और जल्दी से रोड रोलर को नहीं मोड़ा जा सकता, देख लीजिए। ये बात तो मारी गई मंत्री के खून में कोई नशीली दवा नहीं मिली है, ऐसा डॉक्टर ने सर्टिफिकेट में लिखा है, ये आपने कोर्ट को बताया था। पिताजी, आपका बेटा होने से ज्यादा सम्मान मिलेगा शास्त्री जी का दामाद बनने पर। एक्सक्यूज मी सर, केक खाना मैंने छोड़ दिया है। तो ये खून मेरे क्लाइंट ने नहीं किया, पहले से ही किसी के हाथों मारी गई मंत्री की लाश नीचे पड़ी होगी, उसके ऊपर रोड रोलर चढ़ गया होगा। रोड रोलर चढ़ने के कारण मंत्री का शरीर धनिया की तरह चटनी बन गया होगा, इसलिए चाकू का, पिस्तौल का गला दबाकर मारने का निशान होने के बावजूद भी डॉक्टर के टेस्ट में इसका पता नहीं चला होगा। ओके, खून किसने किया मालूम है क्या? किसी को नहीं मालूम ना? मुझे भी नहीं मालूम। शास्त्री जी का दिमाग बहुत तेज है, इनकी बातों में बहुत दम होता है, लेकिन बहुत जल्द सबको बता दूंगा। वेट एंड सी। इसका मतलब नहीं समझे? तुम पूरी तरह नहीं बचे, अगले तारीख को ही पता चलेगा। अब चलो। आप जब खुश होते हैं ना तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते। तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो उतर जाओ। ऐसी बात नहीं है जी, लेकिन मैं औरत हूँ, शर्म तो आएगी ना। ए मुंबई जी, जाइए जी। अरे तुम्हें छोड़कर कहाँ जाओ, तुम्हें थोड़ा सीने से लगा लूँ। ठीक से रहिए ना। सीधे रह पाना सुहागरात का काम नहीं है। जी जी, क्या हुआ आपको? पता नहीं क्या हो गया है। क्या? मेरे पांव झनझना रहे हैं। पांव झनझना रहे हैं? अजी अजी, क्यों मजाक करते हैं? उठिए ना, उठिए। नहीं नहीं, उठिए ना। ये देखो, सच में नहीं। ओह, क्या हुआ?
जी आप ना बहुत नाटक करते हैं, चलिए उठिए उठिए ना। नाटक नहीं कर रहा हूं, उठिए ना, मेरे पांव नहीं उठ रहे हैं। क्या हुआ पांव को, क्या हुआ जी? देखो क्या हुआ, देखो ये क्या, देखो ये क्या, नहीं है ये क्या, ये क्या हो गया जी? बोलिए सर, मंत्री कलावती का पूरा इतिहास चाहिए। वो कहाँ पैदा हुई, कहाँ परवरिश हुई, उसके दोस्त कौन कौन है और दुश्मन कौन कौन है, हैं? बायोडाटा एक फाइल बना डालो विद फोटोज। अगर एल्बम रेडी कर दोगे तो केस लड़ने में आसानी होगी। ओके सर। अरे वाह, इतनी सारी भीड़, इसका मतलब है अभी तक हमारी सरकार चल रही है। अंडमान से आए मंत्री के स्वामी जी, अंडमान से आए मंत्री के स्वामी जी। हाँ, लोग हमारी जय जयकार कर रहे हैं, मजा आ रहा है। आज का दिन तुम्हें हमेशा याद रहेगा। डार्लिंग प्लीज शाम को मिलो। ओके। ख्याल रखना फूल नमक करना से बच के। क्यों प्यारे? क्योंकि अंडमान में मैंने जो मजा किया है उसका वो मुझसे पैसा वसूल लेगा। और सुनो, जब सारे लोग यहाँ से चले जाए ना, उसके बाद सबकी नजर बचाकर जहाज से उतरना तुम। क्या उन लोगों को बिल्कुल भी अकल नहीं है? उन लोगों को अकल हो तो फिर हम फ्लाइट से कैसे जाएंगे? साइकिल में डबल सवारी भी नहीं कर सकते। और सुनो, वो लोग वैसे ही रहने वाले हैं, हम लोग अपने तरीके से रहेंगे। अंडरस्टैंड, दिस इज पॉलिटिक्स। जय मंत्री के स्वामी जी, अंडमान जय मंत्री के स्वामी जी। तुम सब यहीं रुको, नाराज मत होना, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। नमस्ते, 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 नमस्ते। प्रणाम। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो भाई? स्वामी, आप हमारा स्वागत करने आए हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जिस वाहन से आए हैं उसी से वापस जाइए, जाइए, जाइए। देखो, मेरे मेहमानों को सरकारी गाड़ी से भेज दो, मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। मेरे ससुराल से गाड़ी आई है, मैं और फूल उस गाड़ी से जाएंगे। तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है, जाना। ठीक है सर। चलो फूल, ससुराल चलते हैं। एरोप्लेन से ससुराल जा सकते हैं, लेकिन परिंदा टकरा गया तो क्या होगा? ये देहाती वाले जोक्स मत सुना मुझे, मेरी शादी की बात कहाँ तक पहुँची? साहब जी, आप अंडमान में पेपर नहीं पढ़ते थे क्या? अरे आपको अंडमान में पेपर पढ़ने का वक्त कहाँ मिलता होगा? फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, है ना सर? कैसे मिलेगा, तीन लड़कियाँ थी, उनके साथ प्यार करने के सिवा कोई काम नहीं था। कैसी लगी लड़कियाँ? एक गलत बात हो गई सर, बहुत ही बड़ी गलत बात हो गई। कौन सी गलत बात हो गई? एक खून हो गया मेरे हाथों से, मंत्री जी का खून हो गया। आपके अंडमान जाने के बाद एक रात को। ए, क्या चाहिए तुम्हें? लाख रुपए मुझे चाहिए कलावती से, मुझे चाहिए लाख रुपए। छी, फुटपाथ के भिखारियों की तरह अंदर आकर गाना गा रहे हो, वॉचमैन कहाँ मर गया पता नहीं। वो तो भीख मांगने चला गया, पहले तुम भी तो यही करती थी, आजकल बंगले में रहती हो ना, इसलिए दारू पीकर बदमाशी करने आए हो। ये ले, इसे लेकर फुट जा। देख मांगी, आज इस पोजीशन में आ गई तो मुझे भीख दे रही है क्या? अगर तुम मुझे पैसे नहीं देगी ना, तो मैं तुम्हारी असलियत के स्वामी को बता दूंगा। किससे? तेरी उस बंदर से? डरपोक, वो क्या कर लेगा मेरा? क्या ये सब तू मेरे सामने बोल रही है? हाँ, हिम्मत है तो के स्वामी के सामने बोल कर बता। चल बोल। सभी मंत्रियों की चाहती हूँ मैं, अगर होशियारी की ना तो चीर दूंगी इससे। कला बहन, कला बहन, कला बहन, दीदी, दीदी।
नारियल के पेड़ को बिच्छू काटे तो ताड़ के पेड़ को भी दर्द होता है। तुमने जो खून किया उसमें मैं भी फंस सकता था। अरे जब वो रोड रोलर से कुचल के मलबे में दब चुकी है तो फिर किस लिए तू सरसों की फूल की तरह पीला पड़ गया है? ए, ए, खून करने के बाद भी तू लाइन मार रहा है? जो पूछ रहा हूँ उसका पहले जवाब दो। आपके होने वाले ससुर उसके लिए केस लड़ रहे हैं शास्त्री जी, वो मुझे आसानी से छोड़ देंगे क्या? फांसी पर लटकवा देंगे। तो उसको भी मार डालो। क्या? हाँ उसको भी मार डालो। फूल तुम्हें शास्त्री को भी मारना होगा, वो जिंदा रहा तो तुम्हें भी परेशानी मुझे भी परेशानी। ये बताओ कि उसकी लड़की शादी के लिए तैयार हुई कि नहीं? कौन लड़की? सत्यानाश हो तेरा, 5 तोला सोने की चैन लेकर किसको दे दिया तुमने? वो न, हाँ, उसको ही दिया था, उसे लेकर उसने गले में पहन लिया था। पहनते वक्त खूब शर्माई, उसे आपसे बहुत प्यार है। जानता हूँ रे, जानता हूँ, मुझे मालूम है। अब हमारा प्यार इतनी दूर डेवलप होने के बाद उसका बाप चक्के वाली गाड़ी पर बैठकर क्या करेगा? कुछ नहीं होगा, पहले आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो उसे एक ही बार में ऊपर भेज दो ना। ठीक है, मार डालो उसे। अरे मैं कह रहा हूँ मार डालो उसे। ठीक है। ए, देख तुझे मेरे पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है, तू पहले पैर पड़ता है फिर पैर खींचता है। अच्छा साहब जी। ए, वहां पर नाक मत बजाना, शास्त्री जी जाग जाएंगे। मुझे नाक बजाने की आदत हो गई है। अरे अपने नाक में रुई ठूंस लेना। देखने में मुर्दे जैसा लगता है। अभी का काम दो दिखते हो। ये शास्त्री की हत्या करने के बाद तुझे पुलिस के हाथों पकड़वा कर अपने बाप की मौत पर रो रही शास्त्री की बेटी के सर पर हाथ रखकर धीरज बंधाऊंगा तो मैं एक हीरो जैसा लगूंगा। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं पता नहीं, कहकर मेरे सीने से लग जाएगी। ए, तुम सब लोग साय की तरह मेरे पीछे मत आ जाना, पहले मैं अंदर जाता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो सिग्नल दूंगा, तुरंत अंदर आ जाना है। खराब है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे हाथ खराब कर दूंगा। दरवाजा बंद कर दिया उसने। अरे उसे पकड़ो कोई। शास्त्री जी ने मेरे हाथ में गोली मार दी है, मैं जाकर किसी लेडी डॉक्टर से इलाज करवाता हूँ। इधर देखो खून, अंदर एक और आदमी है, तुम सब मिलकर उसे मार डालो। हाँ, मैं आता हूँ, जाओ। Yeah.
उन सबको छोड़ दो। तुम मेरी जमानत पर बाहर हो, तुम बंगले के बाहर मत जाना। जान से ज्यादा मुझे कानून की चिंता है। तुमने तो फिर से मुझे अपना कर्जदार बनाया। हाँ, क्या बकबक कर रहे हो? आकर दरवाजा खोलो। रात के 12 बजे तक तुम जाग क्यों रही हो? मैं तो गहरी नींद में सो रही थी पापा, अचानक एक गुंडा दरवाजा तोड़कर अंदर आया और जब मैंने देखा तो जोरदार लड़ाई हो रही थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना? एडिसन ने आकर मुझे बचाया पापा। तुम्हें तो चोट नहीं आई ना बेटा? जानो, तुम्हारे ऊपर एडिसन का हाथ तो नहीं पड़ा? ए जी, हम सब लोगों को इसने बचाया, इसको कम से कम थैंक्स तो कहना चाहिए। उसके बदले पूछ रहे हो हाथ लगाया क्या, पैर लगाया क्या? छी 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 छी, आपकी तो जुबान निकाली है। थैंक्स? हां, किसके लिए थैंक्स? उसने हमारी जान नहीं बचाई, खुद की जान बचाई है। मैं जिंदा हूँ तभी वो जिंदा रहेगा। दैट इज माय हस्बैंड, कभी ना सुधरने वाला प्राणी। सिर्फ मुझे नहीं सुधरना है, हमारे देश के पॉलिटिशियंस भी कहाँ सुधरते हैं। कैसी है पॉलिटिशियंस की बुद्धि, मैंने लड़की नहीं दी इसलिए मारने पर उतारू हो गए। उन सबका एक ही सोल्यूशन है, बहुत ही जल्द एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर देनी चाहिए। देन ओनली आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्वड। करेक्ट सर, सारी परेशानी तभी खत्म होगी। इसी में हम सबकी भलाई है सर। हमेशा कहते हो कि सबकी भलाई होनी चाहिए, हमेशा यही कहते हो कि सबका भला करना चाहिए। तुम्हारा और मेरे पापा का कहना सही नहीं है। सबकी भलाई हो तो उसके लिए सबका कहना जरूरी नहीं होता है। अच्छी बात हो तो उसके लिए सिर्फ एक का कहना ही काफी होता है। कोई भी काम करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि उसमें न्याय है या नहीं। बात में न्याय है या नहीं ये फैसला बात होने के बाद ही पता चल पाता है। शादी करने के बाद हो जाएगा, ये कैसे कह सकते हो? तुम्हें इतना भरोसा है? जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। दुनिया में क्या औरों ने प्यार नहीं किया है, लेकिन हालात के आगे अपने प्यार को भुलाकर क्या कभी माँ बाप की खुशियों के लिए किसी अन्य से शादी करके नए जीवन की शुरुआत नहीं की? क्यों, दुनिया में प्यार करने वाले लोग अपने माँ बाप के विचारों को बदल कर अपने प्यार को कामयाब नहीं बनाते? क्या वो शादी कर कर खुश नहीं रहते? न तुम बदलने वाली हो और न ही मैं बदलने वाला हूँ। मैं कभी नहीं बदलूंगी, तुम्हें बदलना होगा, समझे? ऐसा कभी नहीं होगा। और कुछ हो या ना हो, तुम्हें बदलना ही होगा। तुम चाहो तब भी, मेरे पापा चाहे तब भी, मेरी माँ चाहे तब भी, कोई भी दौलतमंद लड़का मुझसे कभी भी शादी नहीं कर सकता। ये आदमी तो के स्वामी का चमचा है ना? ये मंत्री कलावती के साथ कैसे है? इसका नाम चमन है, इसे फूल फूल नाम से बुलाते हैं। कलावती मंत्री बनने से पहले इसी की कस्टडी में रहती थी। कलावती को मंत्री बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मंत्री बनने के बाद कलावती ने कन्नी काट ली, कई बार पैसे मांगकर उसे परेशान करता था। इस बात पर उन दोनों के बीच में काफी झगड़ा होता था। यही है वो खूनी, ये आप कैसे कह सकते हैं सर? मेरे पापा जान गए हैं कि असली खूनी कौन है। कल तुम आजाद हो जाओगे। सर, आप आजकल पार्टी के नियुक्तियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा लोग कहते हैं। क्यों रे,
जनता जितना मुझ पर भरोसा करती है उतना उस पर भी करती है क्या? नहीं, ये सच बात है। तो उनके जलने से मेरा क्या बिगड़ेगा? उनके बेटी को घास नहीं डालता इसलिए जलते हैं। जा, उनकी बातें सुने बिना अपना काम करो, मैं अपना ही करूंगा। साहब, 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 मुझे कोर्ट में हाजिर होने के लिए वकील ने ये नोटिस भिजवाया है। फूल, तुम शास्त्री की बेटी को उठा कर लिया। कल सुबह मैं और उसकी बेटी दोनों शादी करेंगे। साहब, मैंने सोचा था कि आप मुझे फांसी से बचाने के लिए कुछ तरकीब बताएंगे, लेकिन आप तो मुझे उस लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाने की बात कर रहे हैं। तुम तो पागल हो गए हो, पागल। फूल, सबसे पावरफुल आदमी कौन है? हमारे देश के हिसाब से तो मंत्री। वो तो देश में, लेकिन परिवार में? परिवार में इतनी समझ मुझ में नहीं है। मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ। सबसे पावरफुल दामाद होता है। इंडिया में कोई ऐसा ससुर नहीं जो दामाद से ना डरता हो, और इस हालत में अगर मंत्री दामाद हो जाए तो जबरदस्ती मंगलसूत्र पहनाने पर शास्त्री चुप रहेगा क्या? चुप रहना ही होगा। क्यों रे? मंगलसूत्र पहनाने के बाद वो शास्त्री मुझसे झगड़ा नहीं कर पाएगा, आशीर्वाद देगा मुझे। भारत देश में मंगलसूत्र का बहुत सम्मान है, समझ गया ना? और हाँ, वो शास्त्री और रोड रोलर ड्राइवर कोर्ट चले जाएंगे। बंगले में माँ बेटी दोनों अकेले रहेंगी। तुम उसे वहां से उठा लेना, मैं उसे मंगलसूत्र पहना दूंगा। मैं सिर्फ मंगलसूत्र पहना दूं तो मंगलसूत्र पहनाने के बाद अगले ही क्षण मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त फूल को रिहा करवा रहे हो या नहीं, कहकर उसकी आंखों में उंगली डाल दूंगा। अरे, दामाद का मतलब बहुत बड़ा होता है। दामाद की पोस्ट इतनी इम्पोर्टेंट है क्या? ये कमीना शास्त्री का दामाद बनकर मुझे बचाए, इससे तो अच्छा है कि मैं खुद सीधे जाकर उसका दामाद बन जाऊं। आज तुम्हारे का नाक पकड़ने से अच्छा है सीधे पकड़ू। वैसे भी उस लड़की को बलपूर्वक उठाकर लाना ही होगा, फिर शादी ये करे या मैं करूँ क्या फर्क पड़ता है? शादी होते ही नई बीवी के साथ हनीमून के लिए फॉरेन जाना छोड़कर इस कुत्ते को बचाऊं, इसे फांसी पर लटकने दो। लटकने से ही इसकी सारी परेशानी खत्म होगी। क्या हंस रहे हैं भाई? आप क्या हंस रहे हैं सर? मैं तो एक बात पर हंसा। मैं भी तो एक बात पर हंस रहा था सर। सर, उस फूल को कोर्ट में हाजिर होने का नोटिस मैंने भेजा है। वो मंत्री का खास चमचा है, इसलिए वो कोर्ट में हाजिर होगा या नहीं यही मुझे संदेह है सर। आए ना आए क्या फर्क पड़ता है? पिछले 30 साल से मैंने कितने ही केसों में वकालत की है, वो सब के सब जीते हैं। हारना मेरी कुंडली में नहीं है। मेरे पास अपना केस लेकर आने वाले भले हैं या नहीं, अपराध किया है या नहीं, इस बात की मैं कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझ पर विश्वास करके वो मेरे पास आते हैं। मैं जो फीस मांगता हूं देते हैं। मैं उनको धोखा दिए बिना सिंसियरली लड़कर उनको बचाता आया हूं, क्योंकि यही इस पेशे का धर्म है। सदा जीतते रहना, कभी ना हारना, यही पागलपन था मेरे अंदर। इसलिए पेशे के धर्म का मानकर जीतता रहा और इंसानियत और समाज के सच्चे धर्म को भूलता चला गया। मेरी वकालत की काबिलियत पर मेरे पास आने वाले असली अपराधियों को निर्दोष साबित करवाकर, उन्हें रिहा करवाकर अपने देश को और अपने समाज को मैं बहुत बड़ा धोखा देता रहा हूं। अपराधियों को बेखौफ बना रहा हूं। ये बात इतने दिनों तक मेरे मन में नहीं आई, लेकिन आज आ गई है। हाई कोर्ट में एक बुद्धिमान वकील के नाम से शोहरत पाने के बदले मैंने फैसला किया है कि मैं समाज का एक अच्छा इंसान कहलाऊं।
रोड रोलर से कुचल कर किसी का खून नहीं किया जा सकता, मैंने साबित किया था, ये सच भी है। लेकिन कोई एक या दो आदमी मरने वाली औरत के हाथ पैर अच्छी तरह पकड़ ले और उसे जबरदस्ती लिटा दें तो आसानी से रोड रोलर को चढ़ाकर उसे कुचल सकते हैं। उसे बांधा गया था और इसने उसे कुचला था। स्वामी, मार करो उसे, एक के मावे। Your Honor, एडिसन बहुत गुस्से वाला है, इसने बांध कर उसे कुचल दिया। मेरा ऐसा कहते ही जज साहब, मैंने खून नहीं किया है, ये वकील झूठ बोल रहा है, ऐसा कह सकता था, चीख सकता था, मैं दूसरा वकील रखकर केस लड़ूंगा ये भी कह सकता था, लेकिन इसने ये सब नहीं किया। मैं एक अपाहिज हूँ, इस बात को भी ये पूरी तरह भूल गया। जज के सामने, पुलिस के सामने, पब्लिक के सामने इसने मुझ जैसे सच्चे इंसान पर जानवरों की तरह मारने की कोशिश की। ये एक खूनी है, इस बात का इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है। एडिसन के और उसके दोस्त मणि की मंत्री कलावती के साथ पुरानी दुश्मनी थी, ये बात सभी लोग जानते हैं। मंत्री का खूनी बच गया तो दुनिया में खून करना एक आसान काम बन जाएगा। इसलिए मंत्री कलावती का खून करने के कारण एडिसन को मृत्युदंड और खून में मदद करने के कारण एडिसन के दोस्त मणि को अजन्म कारावास, ये सजा देने के लिए मैं कोर्ट से हार्दिक विनती करता हूं। सारी बातें आईने की तरह साफ हो गई है। समाज के, सरकार के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त एक मंत्री का, वो भी एक महिला मंत्री का, सरकारी उपयोग में आने वाले रोड रोलर नामक वाहन का उपयोग करके खून करने के जुर्म में एडिसन को मृत्युदंड दिया जाता है और मुजरिम को मदद करने के जुर्म में मणि को उम्र कैद की सजा ये कोर्ट देती है। प्यार, एक ब्राह्मण परिवार की लड़की के साथ प्यार, इतना ही नहीं तुम्हारी जान बचाने वाले जो कि ब्राह्मण है इस शास्त्री की बेटी से प्यार, जिस थाली में खाया उसी में छेद, इस बदमाश ने भी उसमें साथ दिया। फोटो किसने निकाला जानते हो? आज से तुम मेरे जूनियर हो, जूनियर मात्र नहीं दामाद भी हो। घर जवाई बना कर रख लो, मेरी तरफ से नो ऑब्जेक्शन। बात सुनो, बिना पूछे किसी से प्यार नहीं करना चाहिए। अरे क्या हुआ? अबे बम को ऊपर क्यों रखा है, नीचे फेंको फेंको। दादा देखता नहीं है, मेरे दोस्त ने जज को पकड़ कर रखा है, बंदूक क्यों पकड़ के रखी है? बंदूक नीचे फेंको, मुझे एक जरूरी काम में आता हूं। शास्त्री जी की बेटी के साथ आता हूं जज साहब, इस केस का सच्चा सबूत वही लड़की है, सच क्या है मैं उससे बुलवाऊंगा, माफ कीजिए। वो फूल मंगलसूत्र तबला बाजे के साथ शास्त्री के बंगले में घुसा है। मैं एडिसन से प्यार करती हूँ, उसका नाम तक अपने सीने पर गुदवा कर रखा है, इसके बाद भी तुम उससे शादी करना चाहते हो, क्या तुम्हें मर्दानगी नहीं है?
ये सब तुमसे किसने कहा? ला, वो तो गोद में था तभी डेवलप हो गया था। फांसी पर लटकने के बदले में अपना नाम एडिसन रखकर घर जवाई बनकर रहूंगा। क्यों सासुमा, ठीक है ना? मुझे हमेशा नजला रहता है। क्या हुआ था कि आप मुझे सर... नहीं, कहानी मत सुना। तुम्हारे कारनामों के बारे में असगर ने आकर सब बता दिया है। ए, ए, मैं तुम्हें उल्लू बनाऊंगा सोच रहा था, तुम मुझे उल्लू बनाओगे सोच रहे थे। अंत में हम दोनों को उल्लू बनाकर उसने मंगल सूत्र पहना दिया। जो हुआ सो हुआ वो साहब, अब आप किसी तरह मुझे बचा लीजिए। कुछ भी हुआ उससे क्या, वो थर्ड पर्सन, लेकिन मैं कौन हूँ? हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, तुम्हें किस तरह बचाऊंगा तुम देखना। नमस्ते, मैं के स्वामी हूँ, शास्त्री जी को अच्छे से जानता हूँ। वो क्या है, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये एक खूनी है, मैं इसे पुलिस के हवाले करने वाला हूँ। आप इसे पहचानते हैं ना? अरे इसे तो मैंने पहले देखा ही नहीं। इसे यहाँ से तुरंत ले जाइए और फांसी पर चढ़ा दीजिए। अबे अब तो सुधर कर जी। फांसी पर लटकने के बाद कैसे सुधर सकता हूँ, फिर तो मर जाऊंगा ना। अबे डर, अच्छा है। आप लोगों के पढ़ने का क्या फायदा है जी?
अब ये दोनों पति पत्नी बनकर आपके सामने खड़े हैं, फिर भी आप इन्हें आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना जी? मैं आपकी बेटी हूँ, इस बात से ही मुझे शर्माती है। छी, आज दुनिया 20वीं सदी से निकलकर 21वीं सदी में पहुंच चुकी है, फिर भी आप जात पात ऊंच नीच और रूढ़ीवाद की बात कर रहे हैं। छी, हमारे इस समाज के लिए रूढ़ीवादी ब्राह्मण उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा आप जैसे पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं। खैर, पहली कक्षा में बच्चों को स्कूल में भर्ती करते समय दरख्वास्त पत्र पर कौन सी जाति कौन सा धर्म लिखवाते हैं ना, सबसे पहले उसे बदलना होगा, तभी तरक्की होगी। एक बात जान लें, गरीब अमीर के भेद को हमेशा के लिए अगर देश से और समाज से मिटाना है तो लव मैरिज करनी होगी, प्रेम विवाह करना होगा। ये खूनी नहीं है, इस बात के सारे सबूत हैं हमारे पास। सर, ये खूनी नहीं है, वो है। पार्वती, 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 पार्वती। ए जी, बड़े लाड और प्यार से मेरी माँ ने मेरा नाम पार्वती रखा। इस नाम से आप मुझे एक बार भी नहीं पुकारते, ये मैं कब से कह रही हूँ, कह दीजिए ना जी। मरने से पहले तुम्हारा नाम जरूर लूंगा। आज के बाद कोर्ट हो या घर, मुझे कहीं पर भी सर उठाकर नहीं जा जाएगा। सर उठाकर शान से कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता पार्वती। मेरी बेटी ने अगर किसी अन्य जाति वाले से शादी कर ली तो दो खून और एक आत्महत्या, यही मैंने अपने जूनियर से कहा था, लेकिन खून करने की हिम्मत अब मुझमें नहीं है पार्वती, क्योंकि इन दोनों को जीने का हक है, मुझे जीने का हक नहीं है। मैं बहुत नीच आदमी हूं पार्वती, मुझे माफ कर दो पार्वती। मर जाइए, मैं आपके बगैर कैसे जी सकूंगी, बोलिए, मर जाइए, मुझे छोड़कर मर जाइए, नहीं मर जाइए मुझे छोड़कर।